15 अप्रैल से आरंभ होने वाली स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के प्रबंधों को लेकर मंगलवार को डीआरडीए हॉल ऊना में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश को 18वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा इस वर्ष को पूरे प्रदेश में स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तहत 15 अप्रैल 2021 से पूरे हिमाचल प्रदेश में 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती रथ यात्रा आरंभ की जाएगी, जिसमें 51 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद, मंत्रीगण सहित व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में रथ यात्रा का शुभारंभ बरनो गांव से किया जाएगा तथा पूरे जिला में जून माह तक विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा जो 15 अप्रैल से शुरू हो रही है हिमाचल प्रदेश में 50 वर्ष पूरा होने के ऊपर, उस रथ यात्रा का ऊना ब्लॉक के अंदर कहाँ कहाँ प्रोग्राम रहेगा उसकी समीक्षा बैठक आज की गई है। 15 अप्रैल को इसका शुभारंभ बनो गांव से होगा और उसके बाद अलग अलग गांवों में जा कर के जून महीने तक इस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हर गांव के अंदर जा कर के गांव में जब पूरे प्रदेश में 50 वर्षों में क्या विकास हुआ है, पहले हम कहाँ थे, आज हम लोग कहाँ हैं, उसकी पूरी जानकारी लोगों को देनी है। गांवों के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हर पार्टी का आदमी इसमें आए, हर समाज का नागरिक इसमें पहुँचे, हर डिपार्टमेंट का आदमी इसमें पहुँचे और गांवों के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग हैं या जिन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है उन सब लोगों को उसी गांव के अंदर जा कर के कोशिश करेंगे कि उनका नाम निकल जाए तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसा प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है और इस रथ स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में बहुत से जितने भी कार्यक्रम हैं अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन 50 वर्ष पूरा होने के ऊपर हम लोग 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 51 बड़े कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जगह के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी और उनके साथ जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और अन्य प्रतिष्ठित जितने भी लोग हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। यह स्वर्ण जयंती रथ यात्रा पूरे प्रदेश की जनता की अचीवमेंट्स को जनता को बताने के लिए इसका शुभारंभ किया जा रहा है, क्योंकि 50 वर्ष पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश के रूप में, एक राज्य के रूप में, 18वें राज्य के रूप में देश के संविधान के अंदर आए थे। उस 50 वर्षों में हमने क्या अचीवमेंट्स की है, उन अचीवमेंट्स को जनता को आने वाले 15 अप्रैल से लेकर के जून महीने तक हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग गांवों में ऐसे अलग अलग स्वर्ण जयंती रथ यात्राएं चलेंगी, जिसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोग जाएंगे। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की रिपोर्ट।